हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें L3110 प्रिंटर है और इस प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है, नोजल चेक इज़ रिकमेंडेड। ये जो प्रॉब्लम है दो टाइप की हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वाली, एक जो है हार्डवेयर बेस्ड वाली। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको जो चाहिए होगा वो रिसेटर नहीं चाहिए होगा, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपके प्रिंटर के ड्राइवर में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, वहीं से आपको जो है सेटिंग करनी है, आपको कोई रिसेटर यहाँ पे नहीं चलाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल के नीचे डिवाइस एंड प्रिंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मेरे पास एप्सन L3110 है, आपके पास 3100 हो सकता है, 3101 हो सकता है, 3150 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट प्रिंट टेस्ट पेज देंगे। यहाँ पे टेस्ट प्रिंट दे दिया है लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि आपका जो प्रिंट है वो क्यू में जा रहा है और यहाँ पे इस तरह की एरर आने की वजह से आपका प्रिंट नहीं आएगा। आपको सिंपली प्रिंट क्यू पे क्लिक करके इन पेज को सेलेक्ट करके कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद आप इस टैब को क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए। क्लोज हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका प्रिंटर सेलेक्ट करना है, दोबारा उस पर राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोबारा वही टैब खुल जाएगी और यहाँ पे आपको चौथे ऑप्शन यानी कि एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिफॉल्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मेंटेनेंस पे क्लिक करना होगा। जैसे मेंटेनेंस पे जाते हैं आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे ऊपर है नोजल चेक, आपको वो चलाना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये नहीं चलेगा, आपके सामने एक एरर शो होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे इस टाइप की एरर आ रही है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, इस एरर को क्लोज करना होगा और आपका जो प्रिंटर है उसको पावर ऑफ करना होगा। पावर ऑफ करने के लिए आपके सामने प्रिंटर पे गोल बटन दिया हुआ है पावर ऑफ, अगर आप वहाँ से करेंगे तो प्रिंटर ऑफ नहीं होगा। आपको डायरेक्टली पावर बटन है जहाँ से पावर प्लग लगा हुआ है उसको निकाल लेना है या पावर स्विच को ऑफ कर देना है। तो जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आपको दोबारा पावर देंगे देनी है प्रिंटर में तो रेडी लिखा हुआ आएगा। अब दोबारा बंद करना है आपको वापस प्रिंटर को, अभी रेडी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे हम बंद करेंगे यहाँ पे नोट रेडी लिखा हुआ आया है, तो यहाँ पे ऑफलाइन हो चुका है हमारा प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा सिंपली मैं बता देता हूँ। अब आपको दोबारा पावर देनी है प्रिंटर में, जब आप अपने प्रिंटर में दोबारा पावर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटर है वो रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। जो कलर प्रिंटर होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं प्रिंटिंग और प्रिंटिंग करते टाइम और रेडी होते टाइम। यहाँ पे जब तक रेडी लिखा हुआ नहीं आ जाता हमें कोई सा भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे प्रिंटिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपका प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है, आपका प्रिंटर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमारी प्रिंटर की सेटिंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंटर रेडी लिखा आ चुका है स्टेटस और नीचे लिखा हुआ रहा है इट्स रेडी टू प्रिंट, यानी प्रिंट के लिए तैयार है आपका प्रिंटर। इसका मतलब ये नहीं आपका प्रिंटर तैयार हो गया है प्रिंटिंग करने के लिए, आपको यहाँ पे नोजल चेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे नोजल चेक पे आप जिसे क्लिक करते हैं यहाँ पे वेट करने के बोलेगा, आपको नीचे प्रिंट पे क्लिक करना है। अब ये नोजल चेक करेगा, अगर आपके ऊपर वाली लाइन आती है बराबर तो इसका मतलब आपका नोजल सही है, और आपके नोजल में लाइनें कटी हुई आती है तो आपका नोजल ख़राब है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रिंट निकल के आ जाएगा तो आपको वेट करना होगा यहाँ पे। अगर आप प्रिंटिंग में लाइनें प्रॉपर आती है तो आपका प्रिंटर सही है, लाइनिंग कटी हुई आती है तो आपका जो नोज़ल है वो ख़राब हो चुका है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे स्टेटस समझ में आ जाएगा। अगर लाइनें प्रॉपर आती है तो आपका प्रिंटर पे यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा और आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है हेड क्लीनिंग। नोज़ल चेक होने के बाद आपको हेड क्लीनिंग करनी होगी। जैसे हेड क्लीनिंग पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहा है आपका प्रिंटर का हेड क्लीनिंग करने के लिए, और यहाँ पे आपको प्रिंटर की तरफ लिखा हुआ आएगा प्रिंटर इज़ बिजी क्लीनिंग टू प्रिंट हेड और चेंजिंग प्लीज़ वेट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ वेट करना होगा, आपका जो प्रिंटर का हेड है वो क्लीन हो रहा है क्योंकि वो क्लीन इसलिए होता है हम उसमें इंक रिफिल करते हैं तो कुछ जो वेस्ट या ख़राब इंक होती है वो जाम हो जाती है, उस वजह से क्या आपके प्रिंटर को क्लीनिंग की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका प्रिंटर का ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसकी क्लीनिंग कर देगा। तो यहाँ पे उसने क्लीनिंग कर दी है और यहाँ पे आपको प्रिंट नोजल चेक पे क्लिक करना है, आपको ये क्लीन हो रहा है थोड़ा सा वेट करना होगा, इस पर क्लिक कर देना है और जब तक यहाँ पे प्रिंटर इज़ बिज़ी लिखा हुआ है और क्लीनिंग द प्रिंट हेड लिखा हुआ है, आपको किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है। अभी भी हमारा जो प्रिंटर है वो क्लीनिंग कर रहा है। ये क्लीनिंग अगर सॉफ्टवेयर से हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा। अगर नहीं होती है तो आपको जो है हेड और नोज़ल खोल के उसको केमिकल में डालना होगा, क्योंकि इसमें इंक जाम हो जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और आपको जब उसको केमिकल में डाल के ठीक कर लेंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो प्रॉपर काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है अभी वो क्लीनिंग कर रहा है। इस स्टेटस के बाद आपको पता चलेगा, जो प्रिंट निकल के आएगा उससे पता चल जाएगा आपका जो प्रिंटर है उसमें हेड और नोजल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट हेड एलिगमेंट पे क्लिक करना होगा। अब ये जो है वो चेक करता है आपका प्रिंट का एलिगमेंट, यानी कि 3-4 प्रिंट निकालेगा जिसमें कुछ बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होगी। अगर आप जो टेक्निकल है वो समझ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता तो आप देख लेना, प्रिंट प्रॉपर प्रिंटिंग होके निकलना चाहिए। अगर कोई भी प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो समझ लेना उसमें हार्डवेयर इशू है और उसमें इंक जाम हो चुकी है, इंक चोक हो चुकी है, इस वजह से जो वो हेड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। उसको जब तक केमिकल में नहीं डालेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। केमिकल में 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, तो 2-3 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपने इंक कौन सी यूज़ की, ओरिजिनल इंक यूज़ की या डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट इंक यूज़ की है तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक वो भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इंक ओरिजिनल ही यूज़ की थी और जो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉफ्टवेयर लेवल था, यानी कि जो प्रिंटर का ड्राइवर है उसी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। और अगर इस ड्राइवर से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये समझ लेना आपका जो प्रिंटर है उसमें हार्डवेयर लेवल दिक्कत है, वो केमिकल से ही ठीक होगी, यानी कि आपका जो हेड है वो खुल के केमिकल में जाएगा तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि तभी ही आपका प्रिंट प्रॉपर आएगा और वो जो नोज़ल वाली प्रॉब्लम है उससे छुटकारा आपको तभी मिलेगा। तो यहाँ पे अभी तक मेरा प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है, क्योंकि जो पेजेस है वो मैं आपको अभी डिस्प्ले पे बता दूंगा और उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हार्डवेयर लेवल थी या सॉफ्टवेयर लेवल। तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर लेवल थी, प्रिंट मेरे सामने आ चुके हैं और एक आध प्रिंट निकल चुका है, वो मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप हमें मैसेज करके पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। प्रिंटर से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो काम आ सके और उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सके। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।